Hi guys, welcome to Serial Killer. तो आज हम बात करेंगे एकता कपूर के फेमस सीरियल नागिन के बारे में। एक समय की बात है, एक इंटायरली फक्ड अप फैमिली ने एक नागमनी के पीछे दो इच्छाधारी नागों को मार डाला, क्योंकि बड़े होने के बाद नागिन का बच्चा तो अपने परिवार की मौत का बदला लेगा ही ना। पूरी कायनात मिलकर भी एक नागिन को अपना बदला लेने से नहीं रोक सकती। सो द पेरेंटलेस बच्चा टर्न्स आउट टू बी वेरी हॉट Mouni Roy, बट यू वोंट बिलीव व्हाट शी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ डोमेस्टिक हेल्प। सो लेट्स टॉक अबाउट हमारे हीरो अर्जुन बिजलानी यानी ऋतिक की फैमिली के बारे में। ऋतिक एक सीधा साधा लड़का है जो वर्कोहॉलिक है और जिसको प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके पापा जिम फ्रीक है, उसकी मम्मी अंधविश्वासी है, उसका भाई चोर है और उसकी बहन बेवड़ी है। बचपन में मैं एक बार जू गया था, पर जब भी अपनी फैमिली को देखता हूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे उसकी बहुत याद आती है। टिपिकल इंडियन फैमिली, यू नो ना। एंड एज इफ द फैमिली इटसेल्फ वाज नॉट बिजार एनफ, द न्यू एडिशन टू द फैमिली वाज, वेट फॉर इट, अ नागिन। मैं कहती हूँ एक बार फिर से देखो। पर अर्जुन और मोनी की लव स्टोरी इज नॉट दैट सिंपल, क्योंकि अर्जुन को प्यार हो नहीं रहा है और उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है कि 25 साल का होने से पहले उसकी शादी हो जानी चाहिए वरना वो मर जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी भी किसी को भी प्यार कर पाऊं। तो फॉर सर्वाइवल क्यों ना अपनी बेस्ट फ्रेंड से ही शादी कर ली जाए। फियांसी हो तुम्हारी और बहुत जल्द हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है। अर्जुन की बेस्ट फ्रेंड रोज गाती रहती है, अर्जुन तुम्हें प्यार नहीं होगा, अर्जुन तुम्हें प्यार नहीं होगा। बट अर्जुन प्रूव्स हर रॉन्ग। मोनी को एक बार देखते साथ ही उससे प्यार हो जाता है। वैसे जिसकी डोमेस्टिक हेल्प Mouni Roy जैसी हो, उसको क्यों नहीं प्यार होगा यार। पता नहीं उसकी आंखों में ऐसा क्या नशा था कि मैं अपनी नजरें नहीं झुका पा रही थी। बहुत ड्रामे के बाद इनकी शादी हो गई और डोमेस्टिक हेल्प से मालकिन बनी नागिन इनवाइट्स हर नागिन कजन। अब इन दोनों बहनों का एक ही काम है, पतला। यही है वो काली घाटी, अच्छा ही मौत होगी उसकी। अब ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कैसे होगी, तो बता दूं प्रूफ के लिए मोनी ने अपनी माँ की आंखों में किलर का रिफ्लेक्शन देखा था। स्नेक ट्रिविया, नेट जियो छोड़ो, नागिन देखो। देखते हैं किसमें है हिम्मत। अब अगर नागिन अपने ऑब्वियस काम जैसे डस के मार देना नहीं करेगी, तो फिर कैसे किसी को पता चलेगा कि वो नागिन है। तो सीरियल में आती है गुरु माँ। तू जाएगी, जाएगी तू नागिन। गुरु माँ फाइंड आउट कि नागिन कौन है, जिसके लिए गुरु माँ यूजेस इच्छाधारी मोरनी। माइंड यू, इच्छाधारी मोरनी, इंडियन शर्लॉक होम्स। पर नागिन बीट्स देम ऑल। नागिन का बदला इज अबव ऑल बुलशिट, तो मोरनी को तो मरना ही था। हमने सुना था नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बट यहाँ तो सांप लेकर जा रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब मोरनी को मारा है तो उसे भेजने वाले को भी तो मारना पड़ेगा। सो गुरुमा इज ऑल्सो गॉन। सासूमा इज अ प्रो एट दिस। जब देसी माल फेल हो जाता है तब इम्पोर्टेंट यूज करते हैं। तो अब एंट्री होती है US रिटर्न इच्छाधारी नेवले की। वैसे ही तुम्हारी बू से मैं पहचान गई कि तुम जानी दुश्मन हो। हम सभी ने रजत टोपस को पृथ्वीराज चौहान और शहंशाह अकबर बने हुए देखा है, बट व्हाट वी नेवर थॉट इज दैट कि वो नेवला बनकर टीवी पर आएंगे। मैंने सोचा कि थोड़ा ड्रामा करूं, लेकिन तुमने तो मेरा ड्रामा ही खराब कर दिया। तो वी डोंट नो हाउ द इच्छाधारी नेवला गॉट हिज पासपोर्ट, बट द स्टोरी गेट्स मोर फक्ड अप एज ही स्टार्ट्स डेटिंग अर्जुन बिजलानी की चाइल्डहुड फ्रेंड। बाय द वे ये वही फ्रेंड है जिससे अर्जुन बिजलानी की शादी होने वाली थी। फियांसी हो तुम्हारी। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि शो का एक ही मकसद है और वो है नागिन का पतला। तो इम्पोर्टेड सामान फेल्स आफ्टर सम टाइम और ये तो US बोल के चाइना का निकला। Then something happens and Sasuma realizes what she should have realized ages ago, that she can do it by herself. So the long forgotten Nagmani, she finally uses it to become powerful. अब मैं तेरी पूजा करूंगी, करना, कर पूजा। But little did she know कि इस सीरियल का सिकंदर तो नागिन है। But little did we know that it was not about Nagmani or Nagin, but काली माँ। नागमनी लेके सासूमा कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन काली माँ से बड़ी तो नहीं हो सकती ना। इस सब में अर्जुन गॉट लॉस्ट। बट डोंट यू वरी अबाउट हिम गोइंग एनीवेयर बिकॉज मोनी इज प्रेग्नेंट। बट इफ यू थॉट दिस वाज ऑल, नागिन का बदला 2 सीजन तक चलता है, सो स्टे ट्यून्ड। सच में? तो ये था सीरियल किलर नागिन season 1 का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फॉर द नेक्स्ट एपिसोड स्टे ट्यून्ड विद देसी मार्टिनी।